हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पंची एंड सरकार या कमीशन के बारे में। तो देखिए, कई लोग इसको पुंची से भी प्रोनाउंस करते हैं, तो प्रोनंसिएशन आपने अपने हिसाब से देख लेनी है। आज हम पढ़ेंगे पंची कमीशन के बारे में पहले, और उसके बाद सरकार या कमीशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेन पॉइंट आता है दैट इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007। मतलब भारत सरकार ने 2007 में इसको बनाया था। उस टाइम पे जो मेन पार्टी थी वो थी UPA गवर्नमेंट, ठीक है। एज अ कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे हैं उसके ऊपर एक कमीशन बनाया था, ठीक है। तो इस कमीशन का नाम ही यही था, कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। बट इसका नाम पंची कमीशन क्यों पड़ा, पहले ज़रा वो देख लेते हैं। तो देखिए, इस कमीशन में जो चेयरमैन थे उनका नाम था जस्टिस मदन मोहन पंची, या जस्टिस मदन MM पंची के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इनके सरनेम के ऊपर इस कमीशन का नाम पड़ गया था पंची कमीशन, राइट। अब ये जो मदन मोहन पंची थे, ये थे कौन, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। चीफ जस्टिस किसके होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी स्टेट में जो हाई कोर्ट होता है उसका जो हेड होता है उसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे ये इंडिया के 28वें यानी 28th चीफ जस्टिस थे। टोटल 10 महीने का इनका कार्यकाल था, 1988 में ये बने थे, ठीक है, 10 मंथ्स के लिए। नाउ अर्लियर दीज इशूज़, हम किन इशूज़ की बात कर रहे हैं, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, इन इशूज़ की बात कर रहे हैं, राइट। सो अर्लियर दीज इशूज़ वर लुकड इन टू बाई दी सरकारी कमीशन हु हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1988। जो ये इश्यूज़ थे सेंटर स्टेट रिलेशंस के, जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ थे, पहले इसकी देखरेख या इस कमीशन पे डिस्कशन, इसका सारा कार्यभार कौन संभालता था, सरकारी कमीशन संभालता था। लेकिन सरकारी कमीशन ने 1988 में रिपोर्ट सबमिट कर दी, इनका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद 2007 में बना हमारा पंची कमीशन। नाउ पंची कमीशन के बारे में इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने रिपोर्ट कब सबमिट की। सो दिस कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन मार्च 2010, मतलब 2010 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी अपनी टू दी देन HM ऑफ इंडिया। HM मतलब होम मिनिस्टर। मैं आपको पता है, शॉर्ट में थोड़े नोट्स बनाती हूँ। तो इन्होंने उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे इंडिया के, कौन थे, पी चिदंबरम, ठीक है। किस टाइम की बात हो रही है, 2010 की। तो उनको इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी मार्च 2010 में। रिपोर्ट कितनी बड़ी थी, रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अगर बात करें, इसमें 7 वॉल्यूम्स थे एंड 4 सप्लीमेंट्री वॉल्यूम्स थे। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितनी बड़ी रही होगी इनकी रिपोर्ट, राइट। तो ये हमने पढ़ लिया अब पंची कमीशन के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सरकारी कमीशन के बारे में हल्का सा ओवरव्यू। तो सरकारी कमीशन कब बनी, चेयरमैन कौन थे, किस चीज़ के ऊपर बनी, क्वेश्चन यहीं से आता है। इसके बाद क्वेश्चन नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं स्टेट एग्जामिनेशन की, और जो UPSC है उसमें तो फिर रिपोर्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आप देख लीजिएगा। सो सरकारी कमीशन कब बना था, इट वॉज सेटअप इन 1983। प्लस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जितने मेरे पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स हैं वो सब आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, बट उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद जितने भी नोट्स मैंने इसके हैंड रिटन नोट्स अभी तक अपलोड किए हैं वो सब सीक्वेंस में मिल जाएंगे। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मैंने स्टार्ट किया था एंड आज हम पंची एंड सरकारी कमीशन पर पहुँच गए हैं। तो टोटल 56 या 57 लेक्चर्स हुए होंगे। आप इन लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। मैंने सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज और जितना हो सके मैंने कवर करने की कोशिश की है। एटलीस्ट जितना मैंने पढ़ा है उतना तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही है। एंड अगर आपको अच्छा लगे उसमें से पढ़ना तो आप हेल्प ले सकते हैं। ओके फाइन। तो हम बात कर रहे थे सरकारी कमीशन के बारे में। कब बना था, 1983 यानी 1983 में बना था। रिपोर्ट कब सबमिट की थी इन्होंने, 1988 में रिपोर्ट सबमिट की थी। टास्क क्या था इसका, टू आस्क द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप स्टेटस, या सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करना और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, अमेंडमेंट्स करना, ये इनका काम था। पहले सरकारी कमीशन ये काम करता था, फिर पंची कमीशन करने लगा। पहले सेंटर स्टेट रिलेशंस पे जो कमीशन था उसका नाम था सरकारी कमीशन, फिर हो गया पंची कमीशन। अब इसको सरकारी कमीशन क्यों कहते हैं, सेम लॉजिक, जो इसके चेयरमैन थे या हेड थे उनके नाम में सरकारिया था, मतलब जो उनका सरनेम था वो सरकारिया था, इसलिए इस कमीशन का नाम पड़ गया सरकारिया। अब ये भी देख लेते हैं कि चेयरमैन या हेड थे कौन, जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है। ये भी रिटायर्ड जज रहे हैं। जो पंची कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है, वो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, लेकिन जो सरकारी कमीशन के चेयरमैन थे वो जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के,
राइट। तो आज हमने अच्छे से पढ़ लिया पंछी एंड सरकारी कमीशन, एंड आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा है। आपको कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पे लेसन प्लान्स, HPGK और जनरल स्टडीज़ यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबसे रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।